हे दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल को देख के आए होंगे, तो मैं तीन बातों को पहले क्लियर कर देना चाहता हूं भाई। पहली बात, ये वीडियो फेक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग पूरा प्रोसेस देखोगे तो आप लोग जान जाओगे कि ये किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। दूसरी बात, इस गेम में कोई भी इलीगल तरीका मैं नहीं बताऊंगा इस गेम को कैसे इंस्टॉल करना है। इस वीडियो में कोई भी इलीगल तरीका नहीं बताने वाला हूं, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करने नहीं वाला हूं। और तीसरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गेम जिन लोगों ने बाय किया था, ये गेम जिन लोगों ने बाय किया था रिमूव होने से पहले, ये वीडियो स्पेशली उन लोग के लिए है। या कोई भी गेम अगर आप लोगों ने बाय किया हुआ है और वो गेम अब प्ले स्टोर से हट चुका है, तो भाई इस वीडियो को आप लोग पूरा देखो, आप लोग की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो ठीक है, चलो वीडियो में शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये गेम प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर भी ये प्ले स्टोर पे है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोग डेट देख लो, ये वीडियो पुरानी नहीं है और मैं इस गेम को इंस्टॉल भी कर सकता हूँ। यही नहीं, अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, ये दोनों गेम प्ले स्टोर से रिमूव हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहा हूँ। अभी आप जाके प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, आपको ये गेम नहीं मिलने वाला है और मुझे भी नहीं मिलेगा। आप लोग देख सकते हो, मैं आपको 2 तो दिखा दिया है, अब मैं आपको 1 भी दिखाता हूँ जाके। ये गेम उस समय 650 के आसपास के थे दोनों, लेकिन मुझे ऑफर में मिला था। दोनों ऑफर में मैंने खरीदा था, एक को 35 में और एक को 21.89। आप देख सकते हो यहाँ पे, और डेट भी देख लो, मैंने इसे अक्टूबर 2018 में ये खरीदा था और लगभग अगस्त में मैंने वो वाला गेम खरीदा था। दोनों गेम मेरे पास है और मैं दोनों गेम को जब चाहे तब डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने इसे बाय नहीं किया था वो डाउनलोड नहीं कर पाओगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं भाई जो इस गेम को खरीदे होंगे मेरे तरह, और कुछ लोग तो 650 रुपये में भी खरीदे होंगे, लेकिन अब भाई वो सोच रहे हैं कि भाई मैंने इस गेम को खरीद लिया, मेरे 650 बर्बाद हो गए, अब मैं इस गेम को दोबारा डाउनलोड कैसे करूं, प्ले स्टोर ने इसे हटा दिया। तो भाई मैं हूँ, या ऐसा कोई भी गेम जो कि आप लोग खरीदे थे और अब प्ले स्टोर से हट चुका है, तो उनके लिए ही भाई ये वीडियो है। तो पहले आपको दिखा देता हूँ कि अमेजिंग स्पाइडरमैन, यहाँ पे मैं दोनों की गेम को सर्च करूँगा और मैं दिखाता हूँ कि वो मुझे प्ले स्टोर मिलते नहीं। नॉर्मल यूज़र ही करेगा और वो सर्च करेगा, उसको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, वो कहेगा भाई वीडियो फेक है। अरे भाई तुम फेक बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन भाई एक बार पूरा वीडियो देख लो ना, उसके बाद बोलना फेक। मैंने गेम को सर्च किया और यहाँ पे देख लो, वो गेम सही में नहीं है और नहीं भी रहेगा, ये सब के लिए है, नहीं रहेगा प्ले स्टोर पर। अब बात आती है 1 की, अब मैं 1 भी सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ मैं, अमेजिंग स्पाइडरमैन, यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और जो 1 क्यों निकला, हाँ 1 हो गया। और मैं सर्च करता हूँ, देखो अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 भी मुझे अब नहीं मिल रहा, ये गेम भी प्ले स्टोर पर नहीं है। अब बाकी लोग बोलेंगे फेक है, सुनो रुको रुको 2 मिनट रुको, अब हो गया ना, नहीं मिला प्ले स्टोर पर। अब यहाँ से अब मुझे बैक जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से मेन वीडियो शुरू हो रही है, स्टेप कैसे आप किसी भी गेम को जो रिमूव हो चुका है आपने उसे बाय किया है कैसे पाओगे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको जो अकाउंट का आपको दिख रहा होगा ना, अकाउंट की प्रोफाइल फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा होगा। भाई ये काम वही लोग करना जिन्होंने किसी भी गेम को खरीदा है और प्ले स्टोर से हट चुका है, बाकी लोग देखोगे तो फेक ही बोलोगे। तो यहाँ पे जाओ, बजट एंड हिस्ट्री का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस पर क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको उन सारे गेम्स या सारे सब्सक्रिप्शन या सारे जो भी गेम आपने खरीदा है सबकी हिस्ट्री मिल जाएगी। मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, मैंने दोनों गेम को खरीदा हुआ है, और यहाँ पे मैं डेट भी दिखाऊंगा भाई, देख लो यहाँ पे अगस्त 2018 में मैंने 35 रुपये में इसको एक बार खरीदा, फिर रिफंड ले लिया, फिर दोबारा खरीद लिया, क्योंकि मुझे लगा ये गेम बाद में हो सकता है हट जाए। मैंने इसे खरीद लिया था 2018 में 10 अगस्त को, डेट के साथ दिखा रहा हूँ भाई, देख लो परचेस किया था, फेक मत बोलना। जिन्होंने किया परचेस वो लोग भी इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पे इस पर आपको देख लिया, इस पर क्लिक करो, और क्लिक करके यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिया जाएगा, व्यू पे क्लिक करो, अब आपको ये गेम मिल गया। अब जाके आप इसे इंस्टॉल करो, खेलो जब चाहे तब इंस्टॉल करो, ये मेथड हमेशा काम करेगा, कभी हटने वाला नहीं है भाई। आपने पैसे दिए इस गेम के लिए, ये गेम आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा, चाहे प्ले स्टोर पर रहे चाहे ना रहे। हाँ प्ले स्टोर पर अब नहीं है ये। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा गेम भी दिखाता हूँ जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 था, दोनों मेरे पास है। चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और व्यू पे क्लिक करता हूँ, उसमें 27 अक्टूबर 2018 को खरीदा था इस गेम को भी, और इस पर मैं क्लिक करके इंस्टॉल करके जब चाहे तब खेल सकता हूँ, और मैं जब मन करता है ना तो मैं दोनों गेम को खेलता भी हूँ। अब भाई बहुत लोग बोलोगे भाई ये फेक है, ये वो है, अरे भाई जब आपने खरीदा ही नहीं था तो फिर कैसे आपको ये मिलेगा, कहाँ से आपको इसमें मिल जाएगा। जिन्होंने खरीदा था वो लोग ट्राई करके देख लो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी।